I'm born in Vasai itself. यहाँ पर जब मेरे मैं जब छोटा था उस टाइम पे मैं बहुत ही डम सा स्टूडेंट था। स्कूल टाइम में लास्ट बेंच पे कोने में बैठने वाला एक बच्चा जो स्टडीज़ में बहुत वीक है एंड जो रैंक्स में एकदम लास्ट आता है, तो उस टाइप का था ना। कोई ज़्यादा दोस्त थे, जो दोस्तों के जो पेरेंट्स होते थे वो ज़्यादा दूर रखते थे क्योंकि वो लोग फेल ना हो जाए मेरे साथ बैठ के, तो वैसा टाइप का स्टूडेंट था मैं। बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी ऋतिक रोशन का पहला मूवी आया था कहो ना प्यारे, एंड मैंने उसका एक डांस इमिटेट किया था इकबाल का जीना, और मैं बस यूँ ही टाइम पास के लिए कर रहा था। करते करते मैंने पूरा डांस सेट किया एंड मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू ट्राई कर ले जाके, बिकॉज वो भी डांस कर रहा था स्कूल में, उसने कहा तू भी कर सकते तू भी कर ले। तो मैंने जब स्कूल में किया तो लोग एकदम शॉक हो गए थे कि ये अचानक से कहाँ से डांसर बन गया। तो वहाँ से लेके मेरा जो चेंज शुरू हुआ, लोग देख के मुझे बोलने लगे कि ये इतना अच्छा डांसर, इतना हिडन टैलेंट कहाँ से निकल गया। एंड उस चीज़ ने मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस लिटरली इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बात करने लग गया, मैं बहुत एक्टिव हो गया, मैं पर्सनालिटी चेंज हो गई, मैं स्टडीज़ में सीधा टॉप में आने लग गया, ऑलमोस्ट टॉप 5 में आने लग गया। मतलब वो कैसा चेंज आया था मुझे भी नहीं पता, बट वो कॉन्फिडेंस शायद उसके पहले बहुत लो था एंड डांस ने वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी डांस की जो जर्नी है वो शुरू हुई। तो पहला परफॉर्मेंस ऋतिक रोशन को देख के किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज टाइम में जाने लगा, उसके बाद मैंने इंटरनेशनली जो हिप हॉप इंटरनेशनल करके कॉम्पिटिशन होता है वो मैंने देखना शुरू किया और फॉलो किया यूट्यूब पर। एंड उस टाइम पे फिर मैंने देखा एक फिलिपिन ऑल स्टार्स करके ग्रुप है, उसको देख के मैंने ग्रुप फॉर्म किया एंड मैंने उनके कुछ रूटीन्स लेके डालना चालू किया। एंड फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद ये फिक्टिशियस ग्रुप फॉर्म हुआ, एंड फिक्टिशियस ग्रुप 2008 या 2009 में कुछ बना था। एंड उसके बाद हम वो सारी चीज़ें करने लगे जो वो लोग करते थे। फिर उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था कि ना स्मार्टफोन्स थे, ना डांसर्स के पास तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, एंड ना कोई सोशल नेटवर्क है, कुछ नहीं, सिर्फ एक टीवी होता था और कोई एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं था, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक ही रियलिटी शो होता था बुगी उगी, जो हफ्ते में आधे घंटे के लिए आता था। तो बस जितने लिमिटेड डांसर्स थे उनका सपना था कि मैं एक बार बुगी उगी में करूँ, तो हम भी वही सपना लेते थे कि हम एक बार बुगी उगी में डांस करें। तो बुगी उगी में हमारा किसी तरीके से नंबर लग गया एंड हम लोग 2009 में हमने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया एंड हम लोग बहुत हिट हो गए। एंड हम लोग हिट होने के बाद फिर वहाँ से हमारा जो टेलीविजन का जो लाइफ है वो शुरू हुआ। सभी ग्रुप हमसे बच के रहना, आ रहे हैं फिक्टिशियस क्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर डीजे। एंड फैमिली का भी, वो लोग भी अपने जगह पर बहुत सही थे क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कोई शोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ना काम कर रहा है बेटा, ना कुछ कर रहा है, सिर्फ नाच ही रहा है, एंड रिटर्न में क्या है। एंड अभी उस टाइम पे मैं कुछ 20 ईयर्स ओल्ड हो चुका था एंड जो बाकी डांसर्स थे वो 13-14 ईयर्स ओल्ड थे, तो उनको भी लग रहा था कि बचपन से करियर ख़राब हो रहा है इनका, मेरा भी ऐसा लगता है कि 21 साल का होने वाला है, अभी कमाना का टाइम है और ये नाच रहा है। तो वो सिचुएशन था, तो बहुत उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि मेरा इसके अलावा मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। लिटरली मैंने एक बार तो डैड के ऑफिस में ज्वाइन भी कर लिया काम भी, 9 महीने उनके पास बैठा भी ऑफिस में, बट मैं कुछ नहीं करता था। तो डैडी को मैंने बोला कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, मेरे को 1 साल 2 साल कोशिश करने दो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने अग्री किया, फिर वहाँ से लेके मैंने कंटिन्यू किया। फिर फिक्टिशियस ग्रुप फॉर्म हुआ एंड हम गए, हम बुगी उगी किए, कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे बट फिर हम कॉम्पिटिशन सब लोकल कॉम्पिटिशन करते थे एंड लोकल कॉम्पिटिशन में कहीं पर 5,000 प्राइज है, कहीं 4,000, कहीं 8,000, तो ऐसे करते करते हम पैसे जमा करते थे एंड ग्रुप चलाते थे। एंड हमारा, मुझे आज भी याद है, सबसे पहला जिंदगी का जो पूरा ग्रुप का जो पहला शो था, मतलब वो मार्च में बुक हुआ था 2009 में नवंबर के लिए, एंड नवंबर के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे और उसका टोटल अमाउंट था 15,000 रुपया। तो हम 18 लोग मिलके 15,000 रुपये के लिए इतने एक्साइटेड थे कि 15,000 का एक शो मिला है। तो उसके लिए हम 6 महीने तक एक्साइटेड थे कि 6 महीने बाद हम एक शो करने वाले। तो हम लोग उस टाइम पे 6-7 महीने में एक आध शो करते थे 15-20 हज़ार का, उसमें उस तरीके से हमारे 2-3 साल निकले। देन आया इंडियाज़ गॉट टैलेंट। फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जब हम जीते,
इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने के बाद हमारे लाइफ में थोड़ा चेंज आया, फिर पैसा आना शुरू हुआ, फिर हमको काम मिलना शुरू हुआ, लोग जानने लगे, इंडस्ट्री में पहचानने लगे कि हाँ ऐसा कोई डांस ग्रुप है, फिर हम कॉर्पोरेट शोज़ करने लगे, अवार्ड शोज़ करने लगे, तो उस तरीके से हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब उस पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मतलब पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाते थे, बट ठीक ठाक कमा लेते थे, घर चल रहा था सब। ग्रुप फॉर्म होना बहुत इजी है, बट उसको चलाना लंबे तक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, एंड किसी को सबको बड़ा बनना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको समझाना, बांधे रखना। बट देन टू हमारा वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि हम लोग फिर भी रुके रहते थे, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता था फिर भी रुके रहते थे। फिर ये इस टाइम तक फिक्टिशियस ग्रुप था, फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि ग्रुप के अंदर इतना ज़्यादा अनबन हो रहा था एंड इतने झगड़े हो रहे थे, ग्रुप दो में डिवाइड हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं और एक और पार्टनर थे, हम दोनों साथ में करते थे, एंड वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक झगड़ा हो गया था, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कि ग्रुप के अंदर मारामारी हो गया, सब कुछ हो गया, एंड वो पूरा ग्रुप टूट गया। एंड वो टूटने के बाद ऐसा पॉइंट आ गया था कि हमने 4-5 साल इतना मेहनत किया उस ग्रुप का नाम बनाने के लिए, एंड हम उस पॉइंट पे आ गए कि ग्रुप टूट गया, अब पूरा नया शुरू करना है। तो मैं, मेरे साइड पे कुछ लोग आए एंड कुछ मेरे पार्टनर के साइड गए, तो मैंने नया ग्रुप फॉर्म करने का प्लान किया, तो उस टाइम पे किंग्स यूनाइटेड आया। एंड जब ये किंग्स यूनाइटेड फॉर्म करने का प्लान हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन मेरा खुद का ब्रांड है। अब जो फिक्टिशियस ग्रुप है वो एग्जिस्टिंग है, वो नाम है, लोगों को पता है, अब मुझे नया ग्रुप खड़ा करना है जिसको कोई नहीं जानता है, एक न्यू नेम के साथ। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि लोगों को बताऊँ कैसे कि मेरा नया ग्रुप है ये है। फिर उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मतलब लोग मेरे अगेंस्ट भी बात करने लग गए थे कि मतलब मैंने सब कुछ ख़राब किया, मैंने ग्रुप तोड़ा, मेरे टैलेंट पे उंगली उठ गई। तो जिस वक्त मेरे टैलेंट पे उंगली उठी, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अब बस, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया अब मैं वापस से वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जाऊँगा। सिचुएशन ऐसी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उसमें, बट ऐसा सिचुएशन ऐसी थी कि ABCD2 रिलीज़ हुई थी, मेरा नाम फेमस हो गया था कि सुरेश करके ऐसा कोई है जिसके ऊपर पिक्चर बनी है, एंड उसी पॉइंट पर मेरा ग्रुप भी स्प्लिट हो गया। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब नेगेटिव वे में लिया था, इसने नाम कमा लिया, तो इसने जानबूझकर ऐसा किया, इसने ग्रुप के साथ ऐसा किया। कुछ लोगों ने मुझे सुनने में ऐसे रूमर्स आया था कि सुरेश के पास टैलेंट नहीं है, उसको कोरियोग्राफी आती नहीं है, एंड जितनी भी कोरियोग्राफी है वो पहले जो मेरा दूसरा पार्टनर था वो करता था, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये जब ताना मैंने सुना, तब मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो उसी लिए फिर मैंने वो अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं फिर वहाँ तक गया, मैं बोला अब उस जगह से सब कुछ शुरू हुआ है, हमने उधर नाम कमाया, इसके लिए लोग जानते हैं, अब मैं उसी जगह पे जाऊँगा और उसी जगह पे उससे ऊपर करके बताऊँगा, जो हमने साथ में मिलकर किया था मैं उससे ज़्यादा बेटर करूँगा। एंड जब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, हम लोग ऑलरेडी 2012 में गए थे एंड हम लोग एट आए थे, उस टाइम पर हम फाइनलिस्ट थे जिसके ऊपर ABCD2 मूवी बनी है। एंड उसके बाद ये सब हो गया, ग्रुप टूट गया, अब मुझे जाना है वापस। अब मैंने जब प्लान किया, उस टाइम पर मेरे हाथ में सिर्फ 20 दिन थे, एंड लोग उस कंपटीशन के लिए पूरा साल मेहनत करते, और मैं 20 दिन पहले प्लान कर रहा हूँ कि मुझे उस कंपटीशन में जाना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं वेट करूँगा तो मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा कॉम्पीट करने के लिए। और हम लोग के वो 20 दिन में से 7 दिन हमारे चेन्नई में चले गए, क्योंकि चेन्नई में हमारा वीज़ा का ये था, इंटरव्यू था, तो उसमें से अभी 13 दिन ही बच गए। तो वो 13 डेज हमने इतना पेन और इतना स्ट्रगल किया है, एंड हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, उस टाइम पे लिटरली हम लोग का एक्ट पूरा एक फुल फ्लेज हमने किया भी नहीं था, और हम लोग इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, एक्ट भी रेडी नहीं है। हम वहाँ पर पहुँच के हम लोग को जगह नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने के, तो हम लोग पार्किंग लॉट रस्ते पे लोग भगा रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ पे 15 मिनट कर रहे, वहाँ पे 15 मिनट कर रहे, हर जगह 15-15-20 मिनट करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट फाइनली जब मैं वो प्रीलिम्स में गया एंड फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, मतलब इन्होंने इतना ख़राब किया था इंडिया में, बट वहाँ पे स्टेज पे जाके लोग जब कॉम्पीट करते तो एकदम वॉरियर्स की तरह पागल हो जाते हैं लोग। तो उस टाइम पे जो इन्होंने परफॉर्म किया, पूरी ऑडियंस खड़ी हो गए, हम लोग पहले राउंड में सीधा 3rd पोजीशन पर आ गए। तो वो जो हम लोग पहले 8th थे, अब मैं सीधा 3rd आ गया पहले राउंड में, तो मेरा वो जो नाम का था वो पूरा हट गया एंड एक नया नाम बिल्ड हो गया, और उस टाइम पूरे इंडिया में फिर फैल गया था कि किंग्स यूनाइटेड। एंड वो राउंड करते करते किसी तरीके से ब्रॉन्ज मेडल जीत गया हम लोग। एंड ब्रॉन्ज मेडल जब जीता, तब जाके इंडिया में फिर वो नाम आया कि ऐसा कोई ग्रुप है किंग्स यूनाइटेड जिसने पहली बार जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुझे
मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मतलब एज अ किंग्स यूनाइटेड ग्रुप ने नाम बहुत कमा लिया, हमने रियलिटी शोज जीत लिए, हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, बट उसके बाद भी ग्रुप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ग्रुप का कोई फेस वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारे डांसर्स होते हैं, एक नाम होता है किंग्स यूनाइटेड, किसी का चेहरा नहीं दिखता, सब रैंडम होते हैं, तो फेस वैल्यू जब बिल्ड नहीं होता है तो उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं हो पाती है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर एक बंदा है, एक चेहरा है, वो चेहरा लोग देखते हैं हर बार परफॉर्म करते हुए, तो वो पॉपुलर हो जाता है। तो उसके बाद दो तीन साल बाद ये वर्ल्ड ऑफ डांस का माइंड में आया, एंड वर्ल्ड ऑफ डांस का हमको सामने से इन्विटेशन आया कि तुम लोग कॉम्पीट करो हमारे शो में आके। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एंड वी डिसाइडेड, हमने मिलकर डिसाइड किया कि करते हैं, एंड लिटरली हमारा डॉक्यूमेंटेशन वो सारा चीज़ शो के 6 दिन पहले क्लियर हुआ, एंड हमने 6 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू किया वर्ल्ड ऑफ डांस का। तो हम लोग सिर्फ एक ही एक्ट रेडी करके गए थे, सिर्फ एक ही एक्ट यहाँ से। उधर गए हम लोग ने, पहला राउंड हमारा एक्सपेरिमेंट था, हम लोग को ये देखना था कि हम लोग जिस तरीके की चीज़ें करते हैं उसका जजेस का रिएक्शन क्या आता है एंड क्या स्कोर मिलता है, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ डांस ऐसा स्टेज है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन है दुनिया का, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें सारे डांस फॉर्म्स आते हैं, इसमें सारे डांस कैटेगरीज आते हैं, लाइक मतलब सोलो, डुएट, ट्रायो, ग्रुप एंड सारे डांस फॉर्म्स, लाइक साल्सा हो, कंटेम्प्रेरी हो, हिप हॉप हो, जितने भी डांसर्स दुनिया में जो बेस्ट हैं वो सब एक साथ आते हैं, कॉम्पीट करते हैं, प्लस जो जैसे कि डांस प्लस में जो आर्टिस्ट आते हैं जो इंटरनेशनल, वो भी वहाँ पर कॉम्पीट करते हैं, एंड वो भी जीते नहीं है वो शो, तो उतना टफ है उस कॉम्पिटिशन का लेवल। एंड जो वर्ल्ड वाइड जो बहुत फेमस ग्रुप्स है जैसे कि किंजाज है, जाम्बा वॉकीज है, जिनको हम लोग भी फॉलो करते थे, वो लोग भी सिर्फ 2-3 राउंड से कर पाए, एंड 2-3 राउंड में वो लोग भी बाहर हो गए। फिर हुआ ऐसे कि सेकेंड राउंड से, मतलब पहला राउंड हमारा बहुत स्मूथली निकल गया, अच्छे से टॉप स्कोरर थे, अब सेकेंड राउंड से हमारा प्रॉब्लम्स चालू हो गया। मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा हुआ है कि तकलीफ के बाद ही मुझे चीज़ें मिलती है, एंड हमारा सेकेंड एक्ट प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर होने के बीच में एक डांसर का एंकल ट्विस्ट हो गया 3 दिन पहले, अब उसको बेड रेस्ट बोल दिया कि वो कर नहीं सकता, उसको बेड रेस्ट पर रखा, तो हम लोगों ने बोला कि तू सीधा शो डे पे कर, एक डांसर को बोला, वो लंगड़ ही रहा था पूरा 3 दिन तक, उसको नचाया नहीं हमने, उसको सिर्फ कोरियोग्राफी पता थी उसको क्या करना है, अब वो सीधा शो डे पे करेगा, एंड शो के एक दिन पहले स्टेज रिहर्सल पे एक और बंदे का एंकल ट्विस्ट हो गया, एंड अब कल शो करना है उसको, एंड उसका भी एंकल ट्विस्ट हो गया, तो ये प्रॉब्लम हम लोग का शुरू हो गया। अभी एंकल ट्विस्ट हुआ ऐसा प्रॉब्लम था जिसको रिकवर होने के लिए 20-25 दिन होता है, और हम लोग का हर 8-8 दिन में एक एक परफॉर्मेंस है, तो वो लोग को लिटरली पेन किलर दिया था उनका पैर नम करने के लिए, बट फिर भी उनको पेन था, खाली एहसास थोड़ा कम था, तो वो लोग लंगड़ते हुए स्टेज पे चढ़े, वो लोगों ने परफॉर्म किया विदाउट मिस्टेक, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, टॉप स्कोर मिला, वो लोग लंगड़ते हुए उतरे, और जितने भी डांसर्स थे वो लोग लिटरली देख रहे थे कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्या, कि मतलब लंगड़ के चढ़ रहे, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, टॉप स्कोर मिल रहा है, लंगड़ के उतर भी रहे, और परफॉर्मेंस में दिख ही नहीं रहे कहीं पर भी कि ये लोग इंजर्ड है, तो उस टाइप का डेडिकेशन और पागलपन है मेरे डांसर्स में। तो यहाँ से इंजरी शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इसके बाद इंजर्ड ऑलरेडी नॉनस्टॉप जिनको था ही वो पेन, इसको रिकवर होने का डॉक्टर ने बोल दिया था कि 20-25 दिन लगेगा, उससे जल्दी नहीं हो सकता। तो हम लोग का भी नेक्स्ट राउंड आया, नेक्स्ट राउंड में मैंने फ्लिप्स बहुत कम रखे एंड खाली फॉर्मेशन ज़्यादा रखे ताकि वो लोग रिकवर हो जाए, ठीक है। फिर वो थर्ड राउंड हमने निकाला वापस से टॉप स्कोर में फॉर्मेशन के साथ। अब आया फोर्थ राउंड, अभी फोर्थ राउंड सेमीफाइनल्स है इसमें, मतलब डिविजनल फाइनल्स बोलते हैं उसको, तो हर डिविजन का एक चैंपियन जाएगा वर्ल्ड फाइनल्स। अब डिवीजन फाइनल्स के टाइम में इनका 3 लोग के जो पैर एंकल ट्विस्टेड थे, तो दोनों तीनों को पेन तो था, तो हम लोग फुल आउट कभी नहीं करते थे, हम लोग सीधा फुल जो होता था ना स्टेज पर ही करते थे डायरेक्ट फाइनल। तो हुआ ऐसा था कि एक डांसर जो है, हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे ज़्यादा उसके पहले, शो के पहले, तो उसने ट्रायल करने के लिए, उसने प्रैक्टिस करने के लिए कि ये फ्लिप ट्राई करके देखते, उसने प्रैक्टिस किया, और हमारा परफॉर्मेंस के एग्जैक्ट 10 मिनट्स पहले एक डांसर का एंकल ट्विस्ट हो गया, एंड अब उसको 10 मिनट में स्टेज पर चढ़ना है, 10 मिनट में चढ़ना है, और इसमें से सिर्फ एक ही चैंपियन बन के वर्ल्ड फाइनल जाएगा, और लोग भाग कर गए देखने के लिए, एंड मैं लिटरली फिंगर क्रॉस कर रहा था कि मेरा टीम का कोई बंदा ना हो, क्या हुआ पता नहीं, मैंने सुना किंग्स करके किसी ने नाम लिया, मैं भाग कर गया, जाके देखा तो हार्दिक करके एक डांसर है, उसका पैर ट्विस्ट हुआ है एंड वो रो रहा है नीचे फ्लोर पर लेट कर,
उसको चलने नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं उसके पैर पे स्ट्रैप लगा रहे, टाइट कर रहे, एंड वो लिटरली लंगड़ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है और उसको 10 मिनट में परफॉर्म करना है। मैंने हार्दिक को पूछा जाके कि क्या करना है, तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो रोते रोते बोला कि भैया आप डरो मत सर, मतलब सबने इतना मेहनत किया ये पॉइंट पे आकर, पहले 8 सेकंड में उसका फ्लिप था, अगर वो फ्लिप नहीं किया तो हम बाहर ऐसी बात। बट उसने, हम लोग का ये सब बातचीत चल रहा था उतने में हमारा नाम अनाउंस हो गया कि तुम लोग को स्टेज पे चढ़ना है, नहीं नहीं स्टेज पे चढ़ना है। हाँ, तो अभी स्टेज पे जब चढ़ना है तो वो लंगड़ते लंगड़ते जा रहा है, उसको छुपा के 2 लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, वो गया रोते रोते। मैंने उसको बोला कि चाहिए तो फर्स्ट फ्लिप काट दे, मत करना, तो वो बोलते बोलते जा रहा है कि नहीं मैं सब करूँगा, एंड वो गया लंगड़ते लंगड़ते स्टेज पे वापस से, एंड वो ऐसा परफॉर्मेंस था कि उसने लिटरली फ्लिप किया 8 सेकंड में, और वो जो नाचने लगा एनर्जी का, चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे नाच रहा, उसका आवाज़ सुनाई दे रहा लोगों को। एंड ये सब हुआ, सब इंजरी चालू है, ये सब प्रॉब्लम चालू है, अभी वर्ल्ड फाइनल्स तक पहुँच गए। और वर्ल्ड फाइनल्स में मुझे ऐसा चाहिए था कि किंग्स जो नाम है, वॉरियर है, उनकी तरह एकदम बोलते ना, एक पूरा एक सोल्जर वॉरियर जो एक पागलपन जो बैटल होता है वैसा फील में पूरा एक एक्ट करूँ, तब हमने प्लान किया हम स्पार्टन्स करेंगे, जो उनका उनका लैंग्वेज उनको जो समझेगा स्पार्टन्स वॉरियर होते हैं। फिर हमने स्पार्टन्स पे पूरा परफॉर्म किया, हमने स्लो मोशन एक्शन सीन्स वो सारी चीज़ें डाली, एंड फाइनली हम लोग वो परफॉर्मेंस में वापस स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एंड जब वो प्राइज अनाउंस होने वाला था, हम लोग का पहला स्कोर आया था 100 100 100, नाम नहीं बताया किसका है ये स्कोर फर्स्ट पोजिशन का, तो वो पॉइंट पे मतलब हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग को जिस तरीके के कॉमेंट्स और सब मिले तो ये हम ही हो सकते हैं। तो उस पॉइंट पे मैं पीछे बैक स्क्रीन में बैठ के LED पे देख रहा था, सारे डांसर्स रो रहे और वो सब लोग इमोशनल है, मेरे को लिटरली एक एक बंदे का वो पास्ट याद आ रहा था कि किस तरीके से हमने शुरू किया था। कुछ डांसर्स थे जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, चप्पल पहन के आते थे, कि कुछ डांसर्स थे जो फटे हुए कपड़े पहन के आते थे, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, एंड आज ऐसी जगह पे खड़े जहाँ पे लोग अनाउंस होने वाले वर्ल्ड चैंपियंस। एंड जब ये अनाउंस होगा उसके बाद मुझे पता था कि पूरी लाइफ बदल जाएगी, इसके बाद हम लोग ग्लोबल हो जाएंगे, पूरी दुनिया जानेगी। एंड जब वो नाम अनाउंस हुआ हम सब इतना रोए हम लोग, वो हम लोग के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि वो ऐसा था वो पॉइंट कि जितनी भी हमने मेहनत की, हमने कभी पेशेंस इतना रखा, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, इतना प्रॉब्लम्स, इतना सब कुछ लाइफ में रहा, बट देन तो हम एंड तक लड़ते रहे।